Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Now we are just going to conclude our topic which is running for last 2 days, that is passive voice. Okay, और आज हम इसको conclude करने जा रहे हैं और कहने का मतलब इसका जो final है वो देखने वाले हैं, ठीक है। और passive voice में हमने सिंपल देख लिया था, सिंपल चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट, ओके, कॉन्टिन्यू देखा और परफेक्ट देखा था। और अब हम ध्यान बात करते हैं मॉडल्स की, कि मॉडल्स में किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं पैसिव वॉइस को, वो देखेंगे। मॉडल्स की बात आती है, ओके, व्हेन वी फाइंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म विथ मॉडल, कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मॉडल के साथ में हो, ठीक है, तो हम उसको किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं देखते हैं। मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म मॉडल के साथ में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो हम उसको किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, आपको समझ में आ जाएगा। ये मॉडल, मॉडल आपको पता है, फॉर एग्जांपल कैन, कुड, मे, माइट, ओके, तो एटसेट्रा, ये सब क्या है, मॉडल्स है। और मॉडल्स को किस प्रकार से चेंज करेंगे हम पैसिव वॉइस में, वो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सी विल सेंड यू इनविटेशन लेटर, एन इन्विटेशन लेटर, तो सी विल सेंड यू एन इन्विटेशन लेटर, फुल स्टॉप। नाउ अब इसको चेंज करना है हमको, किस प्रकार से हम चेंज करेंगे देख लेते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, वी मस्ट हैव थ्री थिंग्स होनी चाहिए हमारे पास में, एस वी ओ, ये फॉर्मेट आप अपने माइंड में जमाए रखें, ठीक है, काफ़ी यूजफुल है और हमारे बहुत काम में आने वाला है। वी का मतलब होता है वर्ब, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, वर्ब की, तो वर्ब क्या है, सेंड, ठीक है, सेंड ये वर्ब है हमारे पास में और सेंड कौन कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हु सेंडिंग, सी, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, ये सेंड, क्या सेंड कर रहे हैं, तो आंसर आएगा व्हाट का, क्या सेंड किया, एन इन्विटेशन लेटर, तो एन इन्विटेशन लेटर सेंड क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब सेकेंड एक और कर लेते हैं, होम से, होम किसे सेंड किया, यू को, आपको, तो ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हमारे पास में डबल ऑब्जेक्ट है। तो मैंने जैसे कि बताया कि हम फर्स्ट लेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये सेकंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट वाला लेंगे तो इजीनेस रहेगा, आसान रहेगा हमारे लिए इसको बनाना। तो हम देख लेते किस प्रकार से इसको चेंज करना है। अब ध्यान रखना, जब भी मॉडल की बात आती है पैसिव वॉइस बनाने में, तो हम सब में बी वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने प्रेजेंट सिंपल में इज़ आर एम का यूज़ किया, पास्ट सिंपल में हमने वॉज वर्ब का यूज़ किया था बी वर्ब के रूप में, जब परफेक्ट की बात हुई तो हमने बीन का यूज़ किया, और कंटिन्यूस की बात हुई तो बींग का यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पे मॉडल है, तो मॉडल में जो यूज़ होगा वो सिर्फ और सिर्फ बी का प्रयोग होगा, बी, ठीक है, वर्ब से पहले बी लग जाएगा अगर मॉडल आ रहा है तो, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, ये ध्यान रखना कि विथ मॉडल्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म कम्स, ओके, तो मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। अगर यहाँ पे मॉडल नहीं होता, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म होती है, तो प्रेजेंट सिंपल होता है, लेकिन मॉडल इस कारण से ये कहने का मतलब इसके साथ में क्या लगेगा, बी लगेगा। अब ऑब्जेक्ट को किसकी जगह, सब्जेक्ट की जगह, तो रिमूव किया यहाँ से, इस जगह लेके आया, तो ये हो गया यू, ठीक है। यू मॉडल सेम रहेगा, चेंज ही होगा, मॉडल विल आ गया यहाँ पे, यू विल। अब सेंड है, इसको थर्ड फॉर्म करनी है, थर्ड फॉर्म करनी है तो बी वर्ब लगानी है, तो यहाँ लगा बी, देन थर्ड फॉर्म सेंट, यू विल बी सेंट, रिमेनिंग पार्ट वैसे का वैसा रह जाएगा, एंड इनविटेशन, इनविटेशन लेटर, ओके, बाय हर, तो लास्ट में बाय के साथ में किसका यूज होगा, हर का, तो ये हमारे यहाँ पे हो गया बाय हर। तो यू विल बी सेंट कि आपको सेंट किया जाएगा, क्या सेंट किया जाएगा, एन इनविटेशन लेटर बाय हर, उसके द्वारा एक इनविटेशन लेटर भेजा जाएगा। तो जब भी मॉडल होता है तो मॉडल के साथ में किसका यूज़ किया जाता है, बी का, तो हम किसका यूज़ करेंगे, बी का यूज़ करेंगे, ठीक।
एक और ले लेते हैं हम, उसके बाद में आगे देखते हैं। वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स। अब यहाँ पे लिखा है वी शुड फॉलो, वर्ब क्या है फॉलो, फॉलो कौन फॉलो करेगा हम, तो सब्जेक्ट क्या हो गया ये, तो फॉलो करना है, क्या फॉलो करना है ट्रैफिक रूल्स, किसे फॉलो करना है ट्रैफिक रूल्स, तो ट्रैफिक रूल्स ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे तो यहाँ पे आ गया ट्रैफिक रूल्स, मॉडल चेंज नहीं होता, सेम टू सेम रहेगा, तो ये तो यहाँ से रिमूव हो गया और ये यहाँ से हट गया, तो यहाँ ट्रैफिक रूल्स आ गया, मॉडल सेम टू सेम शुड, ठीक है शुड फॉलो वर्ड फर्स्ट फॉर्म है, इसको थर्ड फॉर्म करेंगे लेकिन बी लगानी पड़ेगी क्योंकि मॉडल आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा बी उसके बाद में फॉलोड, फॉलोड लास्ट में आ जाएगा बाय अस, एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, आप चाहो तो लिख सकते हो नहीं तो रहने दो, ठीक है, तो अन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता, तो ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड, तो इसका हो जाएगा ट्रैफिक रूल्स क्या होना चाहिए, फॉलो किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले लेता हूँ, वी मस्ट पे आवर टैक्सेस रेगुलरली, रेगुलरली हमको हमारा टैक्स पे करना चाहिए, तो यहाँ पे वी सब्जेक्ट मस्ट मॉडल है, पे क्या है वर्ब, तो क्या पे करना चाहिए टैक्सेस, तो टैक्स पे करना चाहिए, तो टैक्सेस क्या है वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को इसकी जगह लेके आएंगे तो आवर टैक्सेस, मॉडल चेंज नहीं होगा सेम रहेगा, तो मस्ट ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मॉडल के साथ में आ रही है तो हम इसमें बी का यूज़ करेंगे, बी और देन थर्ड फॉर्म पेड रेगुलरली, ये यहीं तक हो जाएगा, वी को नहीं लेंगे क्योंकि हमने पहले आवर ले चुके हैं और ये अन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा जब हम इसका यूज़ करेंगे, तो आवर टैक्सेस मस्ट बी पेड रेगुलरली। कुछ क्वेश्चंस के अंदर हम ले लेते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चंस के अंदर किस प्रकार से चेंज होंगे, हम सारे ही मिलाकर ले रहे हैं क्वेश्चन में, डू यू स्पीक इंग्लिश, सभी टेंसेस का यूज करेंगे हम, यहाँ पर मैं मिक्सअप करने जा रहा हूँ सभी को क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो आप परेशान ना हो, तो देखो सबसे पहले ये स्पीक क्या है वर्ब है, स्पीक क्या है वर्ब, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, ये सब्जेक्ट कौन स्पीक कर रहा है यू, क्या स्पीक कर रहा है इंग्लिश, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, रूल क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट किसकी जगह आएगा सब्जेक्ट की जगह, तो ये यहाँ पर आया तो ये क्या लिख दिया हमने इंग्लिश। अब आप बोलोगे सर इस डू का क्या करना है, अगर डू डज हो तो उसको इजारम में चेंज कर देंगे, डू डज है तो उसको किस में चेंज कर देंगे इजारम, क्योंकि डू डज प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब वो क्या है प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल में बी वर्ब इजारम होती है, तो इजारम डू डज की जगह ही आएगी, इसको रखने की आवश्यकता नहीं, इसको हटाएंगे इसके इजारम आएगा, और इंग्लिश सिंगुलर है इसलिए इसमें इसका यूज़ करेंगे इज, ये बी वर्ब लग चुकी है, अब बी वर्ब लगा दी इसका मतलब इसकी थर्ड फॉर्म आएगी सीधी, और क्या जाएगी थर्ड फॉर्म स्पोकन, ये तो हट ही चुका है, अब लास्ट में आके बाय यू देन क्वेश्चन मार्क, ओके सेकंड अगर हम इसमें बात करें जैसे कि व्हेन विल यू अटेंड योर क्लास, ओके ये भी क्वेश्चन हमारे पास में, व्हेन विल यू अटेंड योर क्लास, अब हमको वर्ब पता लगानी है, सबसे पहले वर्ब ये रही अटेंड वर्ब है, कौन अटेंड कर रहा है यू अटेंड कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट है, क्या अटेंड कर रहा है योर क्लास, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट किसके सब्जेक्ट की जगह, तो इसको इसकी जगह लेके आएंगे, ठीक है, तो योर सिर्फ जगह कौन बदलता है ऑब्जेक्ट, बाकी सब अपनी जगह पर रहते हैं, योर क्लास, ठीक है, मॉडल जो है वो वैसे का वैसे आएगा, नो चेंज विल डब्ल्यू एच वर्ड जो है वो का वैसे का वैसे रह जाएगा व्हेन, तो हमारा हो गया व्हेन विल योर क्लास,
अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मॉडल के साथ में, तो किसका यूज होगा? बी का. तो इससे पहले लगाएंगे बी, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी अटेंडेड, अटेंडेड, और लास्ट में बाय यू. तो ये हमने इस प्रकार से देखा कि किस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं इसको. और अब मैं आपको इसमें वॉट वाला रूल दिखाने जा रहा हूँ. वॉट वाला सबसे ईजी है, वॉट और हुम वो देख लेते हैं हम थोड़ा सा, कि अगर क्वेश्चन अगर वॉट से स्टार्ट हो तो उसको किस प्रकार से चेंज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं वॉट, वॉट आर यू, वॉट आर यू डूइंग, वॉट आर यू डूइंग, ये क्वेश्चन हमारे पास में. इसको चेंज करना है, क्या करना है? सिर्फ रूल याद रखो, सिर्फ रूल है रिमूव सब्जेक्ट, सिर्फ रिमूव करना है किसको? सब्जेक्ट को, रिमूव सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को रिमूव कर दो, ठीक है ना, अपनी जगह से. सेकेंड क्या करना है? ऐड सिंगुलर हेल्पिंग वर्ड, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ड, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ड हमको ऐड करनी है, बाकी कुछ नहीं. तो सब्जेक्ट पता कर लो, बाकी कुछ नहीं ढूंढना आपको, सिर्फ क्या करना है? सब्जेक्ट. तो इसमें डू, डू का मतलब करना, कौन कर रहा है? यू कर रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट, इसको हटाओ, ये वर्ब है. अब इसको देख लेते हैं वॉट, वॉट का वॉट ही रहेगा, नो चेंज. ये मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती, वो की वो आएगी, लेकिन हमको ऐड कौन सी करनी है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. तो यहाँ पे आएगा वॉट इज, आई एन जी का यूज़ हो रहा है इसमें, इसलिए किसका यूज़ होगा? बींग, वॉट इज बींग, देन डन, थर्ड फॉर्म, ठीक है. और जो यहाँ से हमने सब्जेक्ट रिमूव किया था, लास्ट में लेके आ जाएंगे बाय के साथ में, बाय यू, देन क्वेश्चन मार्क. अब एक क्वेश्चन आप हुम का भी देख लीजिए,